दे देता है कि बिहार पुलिस इसका अनुसंधान करेगी तो हमको सारे डॉक्यूमेंट सौंपेंगे, वो तो इसलिए नहीं हमको सौंप रहे हैं कि उनको भी उस आदेश की प्रतीक्षा है। हाँ, तो वही सवाल उठता है कि क्या आप लोग किसी तरह का नोटिस वहाँ रिया चक्रवर्ती से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए? अभी हम उनको लोकेट नहीं कर पाए, हम कोशिश कर रहे हैं लोकेट करने की, लेकिन लोकेट उनके घर तक, उनके घर तक नोटिस बहुत अंतिम स्टेज में है। क्या उनके घर तक पहुंचने की कोई कोशिश आपके बिहार पुलिस? हम इन्वेस्टिगेशन के भीतर की सब बात नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग सुशांत को न्याय मिले इसके लिए हम लोग अपनी बाजी लगा देंगे, जान कुछ भी छोड़ेंगे। ये आपको हम बता नहीं सकते। हम जो हुई थी उसके जांच जी, जो एफ आई आर हुआ था उसमें जांच आगे बढ़ रही है, अभी तक आरोप सही लगा? ये आपका सवाल सही नहीं है कि एफ आई आर पढ़ करके आपको एक आरोप सही लग रहा है। हम तो उसी का अनुसंधान कर रहे हैं जो आरोप लगा है। आरोप जो एफआईआर में लगाया जाता है उसी का तो अनुसंधान होता है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिहार पुलिस के जो ऑफिसर्स वहां गए हैं उनके साथ जबरदस्ती उनको ठेलते हुए मुंबई पुलिस दिख रही है, उसके बारे में चर्चा है सोशल मीडिया पर कि उनको टांग के ले गए। देखिए इसका मैं खंडन करता हूं। मुंबई पुलिस ने ऐसा कोई दुर्व्यवहार बिहार पुलिस के साथ नहीं किया है। वो वहां के डीसीपी क्राइम से बिहार पुलिस के टीम के लोग हमारे मिलने गए थे, बाहर मीडिया के काफी लोग थे, संभवतः मुंबई पुलिस के लोग ये चाहते थे कि हमारी टीम के लोगों का मीडिया के साथ इंटरेक्शन ना हो, इसलिए उनको अपनी गाड़ी में सुरक्षित बिठा करके उनके जहां ठहरने का स्थान है वहां ले जाकर छोड़ दिया। सीबीआई से जांच कराए जाने की बात हो रही है क्या? सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग? वो वीडियो हमने देखा नहीं है, लेकिन मेरी टीम के लोगों से सीनियर एसपी की बात हुई है, टीम के लोगों ने कहा है बिहार पुलिस के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। नहीं, बिहार पुलिस से सीबीआई के द्वारा खुलासे की उम्मीद की जा रही है, लगता है कि सूचना मिलेगी कुछ धमाका होगा। देखिए ये सवाल भी, कोई धमाका करने का इरादा नहीं है यहाँ, धमाका करने के लिए हम लोग बेचैन नहीं है। हमारा दर्द यह है कि सुशांत बिहार का बेटा ही नहीं था, ये पूरे हिंदुस्तान का बेटा था, सारे देश का सेंटिमेंट, सारे देश का इमोशन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है पूरे देश में देखिए, आज लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पब्लिक सीबीआई की मांग तो रही है। पब्लिक का परसेप्शन जो है वो है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैं यही चाहता हूं कि सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन सर जनता जो है वो सीबीआई की भी मांग हो रही है, सीबीआई की जनता की सवाल है ना, आप समझिए ना, जनता में तो बहुत तरह के लोग हैं, जिसको जितनी समझ है वो कर रहा है। असली बात है कि जो कंप्लेनेंट है, जिनकी शिकायत है, जिनका नुकसान हुआ है, सुशांत के पिता क्या चाहते हैं उनका इंटरव्यू लीजिए। अगर उनको बिहार पुलिस पर विश्वास न हो, भरोसा न हो, वो सीबीआई की मांग कर सकते हैं, तो हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं सर, मजबूती से कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से मदद मांगी थी पुलिस असिस्टेंट के लिए, वहां के गृह राज्य मंत्री हैं शंभू राज, उन्होंने बोला कि लीगल ओपिनियन लेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। नहीं, उस पर हमारा नो कमेंट। एक आखिरी सवाल है कि बिहार पुलिस वहां पर जितने भी अफसर गए हुए हैं वो जूनियर ऑफिसर्स हैं, पदाधिकारी हैं, क्या यहां से कोई बड़े आईपीएस ऑफिसर या किसी महिला पुलिस की वहां जरूरत है? क्या वहां भेजेंगे? जरूर जाएंगे, कोई सीनियर आईपीएस अधिकारी भेजे जाएंगे। आप भी जाएंगे क्या? थैंक यू।